अमृत नाम मन वसामणिया हमारी अमृत नाम मन वसावणिया अमृत नाम हरस मीठा गुरमति अमृत पियावणिया अमृत नाम मन वसावणिया अमृत नाम महारस मीठा गुरमति अमृत पियावणिया पहले समझने वाली गल है अमृत कहनी चीज मुने अमृत कहने कड़ी चीज मुने अमृत वो चीज है जिदे विच गाना लज़त है गाना रस है जिदे लज़त लैन नाल अंदर शांति आ जाती है काम ढोलती आदमी बुझ जाती है मन काबू आ जाता है जन्म चक्कर मिट जाता है हमेशा के अंग पर भी प्राप्त हो जाते अमृत है अमृत है उसे असि प्रसाद कहने हैं हर रस कहने हैं महारस कहने हैं उस मनावे हाथ कहने में इस ने जिंदगी रोटी जिंदगी का पानी किया है ये दो किस्म का एक बारमुखी एक अंतरमुखी एक बारमुखी एक अंतरमुखी हर एक चीज के अंदर राह निकल दिए गल के कोल च जाओ बदबू आएगी नीचे के कोल च जाओ खुशबू आएगी इसी तरह हर एक इंसान के अंदर राह निकल दिए कभी चंगा कभी माड़िया काम के अंदर क्रो काम दिया क्रोध के अंदर क्रोध दिया लोग के अंदर लोग दिया कर दिया कर दिया कभी सब दिन ज्यादातर कभी जबान ना अखन ना असि किसी ने प्रेम गल करिए तो अंदर प्रेम गया वही गल गुस्से ना करिए तो अंदर अग गई सोच लो ये सिर्फ भक्ति का मेरे कारण है वो अंदर नेकी भी निकलनी है अखन जरूर इस तरह निकलनी है इसी करके किसी बीमार दे या बदमाश दे या किसी और कंधे आदमी चीज खाना वो कपड़े पहनने मना किया जाता है किसी संत महात्मा दी किसी भगत दे हाथों चीज खाना और कपड़े पहनना चंगा समझा जाता है वो भी भगती पे है ये भगती पे है शीश में बीमार हो गया अंतर दवाई दे इलाज ना हो दवाई ठीक इलाज हो ना हैरान हो गया जब उन्हें देखा जो दवाई खाता से जब उस दवाई में देखता से वो अखा जहर पै जाती
वो अखी जहर पै जाएंगे दवाई जहरी नहीं बन जाएंगे असर ना कर दी फिर देखा तो पट्टी बनी फिर दवाई खिलाई। इस तरह जिस दिन तक नाम है जिस दिन पीता अंदर वो अखी जलो मत निकल जाए जो जहर निकल जाए अंदर निकल जाए यही पाती पे है यदि पाती पे है राजा पीते शौक से जी ने पूछा पैसा की ना कहना कीता है ज्यादा चमारा रदास रदास को चमार को कौन जावे लोग नाज ना छे इधर को मेला लगे से लोग उत्थे गए से राजा छुप के रदास को गया वो कुने तो पानी पाउंदा से पानी पाने पाते देखिया राजा है लग जाए तो चार आदमी हो खड़ा हो जाए शायद कोई होर लग जाए कहीं राजा ना अमृत उन्होंने पानी देता इनकार तो ना कर सकया उन्हें किता कुर्ते च पा के वापस आ गया खुले बंद कुर्ता से ख्याल किया कि ममता जी ने चमारे बना गए से आके तो अभी बुलाया इधर रंग उतार दे किसी को पता नहीं लगे उन्होंने रंग कार वगैरह तो आते नहीं पाप दे के चूस के कर दे छुट्टी लटकन देता रंग उतार दे सा चूस चूस के वो चूस दी गई अंदर कर दी गई चूस दी गई अंदर कर दी ओद पर्दे खुलने लग गए ओद पर्दे खुलने लग गए वजीर ने कहा राजा हरदास को तो मंग गया उन्हें तो अभी लटके पर्दे खुले नहीं उनके को गया उठ के खड़ी हो गया तो बन के बेटी मैं तो पखारी बन के आई हूं कहीं भी जो चीज मिले तेरे को मिल रहा है मेरे को कितने हैं तेरे कुर्ते से फिर पछताया ये पत्ती पे है लेकिन जिस समय का जिक्र सहराम याहू लोग महात्मा ने किया वो बड़ी ऊंची चीज है उस सब के अंदर है ना अंतर खुटा अंदर भरा शब्द काट दिए तुम हर गए उस पर जिन जिन बरसे में धारा मैं अपनी बस शमशान में जाऊंगा देवी हम समझ गए तुम अंतेतन गुजरा रब सच्चे दम मिच बाप पीरा चाहती हो ना कर मैं खास खबर दी तेरे अंदर आवे आती हो ये हो रहा है पीरा ने क्या कर कर में कौन भी चले हम महाराज चाहेंगे सब के अंदर वास रहे सब के अंदर अमृत वास रहे जब पिंडा इन सब को खा मिल जाती है उन्हें शांति आ जाती है कान रोज अग्नि बुझ जाती है और मां मोह रस मीठा सोचो मीठ के मीठा है हर का नाम अमृता जिस पीते तिख जाए और नाम सदा सुखदाता इन्हें सब उखले जावनी है सब खंड की जाती है निशान की आ जाती है वो चीजें नाम लगा ये अंदर भी दो किस्म का अंदर भी दो किस्म का नाम साहब मक्के गए काजी रुकने में मिले पूछा खुदा के तेरे में मैंने देखने दरवाजे की नहीं खिड़की मैंने की नहीं गए ने कुछ ने फरमाया नौ दरवाजे को दे दस मिनट में उन्हें है क्या जाते पूर्व भरे तीस बीच को मिल चल नौ दरवाजे कोट दे दस में मुंह में है हाउस जाती पूर भरे तीस बीच को मिल चल के कोट है ये किला है ये श्री मंदिर है हर मंदिर से यह ज्ञान प्रकट हो नौ दरवाजे बाहर नहीं दो खंडे दो कमी दे दो नक दे एक मुंह है दो टूटी फैल दे ये बंद करे दस मंदिर खुलता है खुल ले हाउस जाति पूर्व भरे किस बीच कम चल अंदर अमर दे हाउस परे पहने आला क्या गिड़ा है कमला मन सदा कम दौर कहने अमृतसर कहने मान सरोवर कहने प्राग कहने वो आला तैयार है थले का कहीं ने पीता है पर दुनिया में खबर नहीं थले का कहीं ने पीता है लेकिन किसी बिना ने पीता है नाम की बुट्टी विष्णु की और शक्ति
दस कमरी ऐसी थी आवागम छटके पिता तुम्हें नहीं पूजा लेकिन मैं ऐसा पीता है उन्होंने आवागम तो चक्कर नहीं मिटे मेरा मिट गया वो अमृत किसी वेले ने पीता वो हम जिंदगी जाके वो अमृत भी अंदर आया ना अमृत खजाने पर मेरे अंदर अमरदास कि मैं उस महात्मा देखा मैंने सत्य करवाया ना जिन्हें जिन्हें अमृत पिलाता जिन्हें अमृत पिलाता क्यों पी सकते हैं अंदर अनेक रुकावट ने अनेक रुकावट ने अंदर खास जाति पर बोले तिस विच कमला चल बिंद महल दे कोट है बाण किंगे तिस किंगे किंगे तोपची वर्ण दिन दे किस किरण मसाला मिलने में वो तो किंगे अंदर ने आधार खाम में पढ़ लेंगे से और जान दिए से सोचना है क्या देते सवार कहीं अंदर है पहले बार बैठे किंगे अंते अंदर वाणी दिन दे किंगे किंगे तोपची वर्ण दिन दे किस सात समुद्र खाम में मिले अंदर पार कई रखवाले सूर्य में क्या देते सवार बारह बुर्ज महल दे नौ दरवाजे मार पांच खास हैं पैरू चौकी दिन सुमार कीड़े खास ये काम क्रोधों का कल काम में फड़ लिया कल क्रोध में फड़ लिया कल लो में फड़ लिया कल मुंह में फड़ लिया सोचेंगे तो काम कर दें ना अब सबसे जबरदस्ती के बंदे पाए ना पता नहीं देख लो उन्होंने काम कर दिया अब तेने काम दिया बाल बच्चे लो दे जमीन ज्यादा लोभ दिए मांगड़ी हंकार दिए विष्णु ने क्रोध दे अभी बिकड़े काम सोच लो आप में कड़े काम कर दें और सत्य जबरदस्ती क्यों नहीं आप में हथकड़ी लगी हुई है मैं आप में दिख दिया ना हथकड़ी दिख दी हुई है मार जल्दी है दोस्त भाई ने पकड़िया दोस्त भाई ने पकड़िया वो कहना आपको ठीसा कर कर दे वो कहना तुम कर कर दे वो कहना कर कर दे करना तो नहीं चंदा सत्य डंडा सोच लो इसी तरह में जबरदस्ती क्यों नहीं काम कर चल मेरा काम कर ये दिन पीछे मिनट का कहते हैं करो तेने मार डंडा जी ना मारा मेरे डंडा फंसे चढ़ू ना करो बोलो ना मेरे को करो कब काम कर दो वही ना जबरदस्ती ना यदि चल किचन का चोरी ठंडी ना करो लोग करो दे ना करो करो कब काम कर दो मार लिए पीछे हम क्या कर दें ये दास सबु ने अपने हाथ से रखी है अमृत दी छिड़ाव दी मेरे वास्ते उस कितने कितने उपाय किए ने जन्म डब्बे में छिड़ाव वास्ते कितने कितने उपाय किए ने विश्वामित्र ने 60,000 साल तक पीता है तो 4 साल तपस्या करता बड़ा तपस्वी है 60,000 साल मैं तो पड़ी तुम्हारे भी श्री ऋषि ने 88,000 साल तक पीता कौन भी बने लख देता हजीब मार दस पानी पी लेंदा से उन्होंने मारता राशि पूर्ण होने के आगे पूर्ण होगी जो करना बड़ा कठिन है इन बीच कैसी जगह है जिसे प्राण खाते हैं उनका नाम छेदी पागल हो जाना कोई इलाज नहीं पूरी होगी मुछंद्री पे मरेगा मुछंद्र इस देश में कल जन्म सिंह आत्मती विश्वास कह रहा है मैंने कारण शिव है मैं तो शिव शिव है वो तो स्तुम शिव है इस देश में कल जन्म सिंह की ताकत से मेरी मां ने ख्याल किया विषय भोग राजपाट करें सोचो मस्त वर्ग करें इस राज्य ध्यान करा अपने रूम जिसमें चुकंड के वो जिसमें प्रवेश करके विषय भोग राजपाट किया कभी नहीं आया मैंने अमृत दूध पिया है सोचना ये दात अमृत दे छिड़ाव दे उस सतगुरु ने अपने हाथ रखे केड़ा सतगुरु उसमें छंडे बैठे हैं वो सतगुरु केड़ा है आखिर में कहने की गुरु की जरूरत है उन्हें भी गुरु कीते हैं देख लो विश्वमित्र ने भी किया श्री ऋषि ने भी किया प्राश ने भी किया मुछंदर ने भी किया इतने तक आया अभी निकल प्राप्त है सब रहना है भारी तो समझे संत जान रड़बड़ मच रही भारी अजीब रड़बड़ है मैं सब बिखरे दाम है मेरे दाम तो मैं मेरा सदगुरु सुखसा सिद्धि कर जाते किला है काल का हेडक्वार्टर है उतर तक बड़े बड़े ऋषि मुनि पीठ पे कमर और के बैठे कोई उठे नहीं गए कोई बड़े बड़े तीर्थ शिव से सहज मिले सुख हो रहे हैं सन वो गुरु की जरूरत है जेड़ा जन्म मंदिर बन छुड़ा दे इन्हें तो इन हथकड़ी तोड़ दे इन्हें तो बचा दे वो केड़ा है वो शब्द एक ही है समझ गया मानस जात से देख के पहचान वो शब्द एक जात है वो भुल गए जात में बाद में मना लिया बाद वो केड़ी है फकीर ने नहीं बनाई बाद जो सिंह नहीं है वो केड़ी है
ਤੂੰ ਕਬੀਰੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਸ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਭੀ ਕੋ ਗੁਰਦੇ ਵੇਖ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਵੇ ਇੱਕ ਜੋ ਜਨ ਦੀ ਜੋ ਸਰਨ ਮੰਗਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜੋ ਸਰਨ ਮੰਗਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਗੜ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਦਾਰੀ ਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋ सतगुर सदानी सतगुर सत पुरुष को जानी मैंने दिते है चौथे पद में करे निवासा तीन लोग में काल कवासा ਉਹ ਚੌਥੇ ਲੋਕ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਤੇ ਪਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਤੇ ਪਾਰ ਚੌਥੇ ਲੋਕ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨੰਦ ਬਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨ ਜੀ ਵਧਾਈ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਤੇ ਪਰ ਚੌਥੇ ਲੋਚ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪਰਮ ਪਲਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਕਿ ਕਥੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਥਾ ਜਾਏ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਪਰਮ ਦੇ ਪਾਈ ਉਤ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਜੀ ਗਾਲ ਨੂੰ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵਸ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭੀ ਨੂੰ ਦੇ ਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੋਚ ਲਓ ਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਦਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਚੌਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕਤ ਕਥਾ ਵਰਡ ਕਲਮਾ ਕਲਾਮ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਅਸਮਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮਤ ਦੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਬਣ ਕੇ ਪਰੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਂ ਲੇਕਿਨ ਪੰਤ ਕਰੇ ਹੈ ਚਿੰਨ ਬਨ ਛਾਇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਬਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਬ ਪਰ ਆਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਸਰ ਜਗ ਫੈਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਣ ਲਓ ਅਫਰੀਕਾ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕਥਕਥਾ ਸੱਚੀ ਵਰਡ ਕਲਮਾ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਸਨੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਜਾਈ ਹੁਕਮ ਕਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਕਰ ਨਾਮ ਨਾ ਖੁਦਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਦ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਜਨ ਚੇਲਾ ਇਹ ਕੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕੀਜੀਏ ਬਤ ਗੁਰੂ ਲਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਮੇਂ ਠੋਰ ਠੋਰ ਬਟਵਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸੁਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਮਰਗ ਜਾਣਾ ਹੋ ਅਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਂ ਆਵੇ ਸੁਰਸੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਇਹ ਪੜਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਧੂਆਂ ਜੋ ਕਰਨ ਕੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਮਰ ਦਰਗਾਹ ਚ ਤੁਮਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੰਦ ਦੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਬਾਹਰ ਲਾਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦ ਬਣਾਇਆ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੋਚ ਲਓ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਮ ਹਜ਼ਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਹਮ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰਹੇ ਜੇ ਲੋ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਦਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਣਾਂ ਸੰਗ ਕੇ ਆਜ ਸਭ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਸ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਾਮ ਜੋ ਮੇ ਤਸਰਾਮ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਜਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚ ਪਰ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਗੁਣਾਂ ਸੰਗ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
मैं पूछा पूरी शिमा कदम तुम्हारा गुरु कौन है? उन्होंने कहा मेरी मत जिंदा पीड़ा से मेरा गुरु जिंदा गुरु है। जिंदा गुरु के हाँ उन्होंने तो जिंदा गुरु के एतवार में क्यों कि जिला पैदा होया मैं जरूर मानना तो मैं समझ फरमाया या खुदा पीड़ा से टाइम जिंदा उसको लाने की दे वो खुदा गुरु है जेड़ा हमेशा जिंदा है सारा उन्होंने मरीद है बुजुर्ग खुदा ये दिन कदम अस खुदा के अलावा हो केड़ा गुरु हो सकता है। सदगुरु मेरा सदा सदा नाल न जाए वो अपना शुक्र है सब मेरे सुनाए सब दिन मेरे कट कट है जरे जरे चो भी जोत कम कर दी पई है। असि कहने हैं कि गुरु दाता है सचो कहने तो सारे ने कि गुरु दाता है बार बार कहने की लिया 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 सचो पूरा सब कहें सदगुरु मेरा दे मोहता है सदगुरु मेरा सच्चा सा मेरा सदगुरु पे मोहताज है सबके बनाने वाला है तुम्हें दे मोहताज है। एक कपड़ा बनाया किसी ने क्यों बने किसी को बीजी किसी चुगी किसी बोली किसी सूट बनाया किसी रंग बनाया किसी बुनिया किन्हें तरीके किन्हें कारीगर लगे किन्हें प्यार लगे सोचो देख लो किन्हें रंग बता जाए एक दिन होता है सतगुरु आज रखे रंग रंग करता है अंदर बैठे कम करता है हरा रंग अंदरों लिया पीला अंदरों लिया अंदर बैठे कटिंग करता है देख लो अंदर बैठे ए है ये बेमौता सतगुर है देख लो कोई चीज है जिन्हें कम कर दी है तुला नचे हबार हर दिशे हज जहरा दुर्दा नहीं अंदर कोई चीज है मौत दे वक्त नहीं कम देना बाकी किसी नहीं देना मौत दे वक्त नहीं कम देना बाकी किसी नहीं देना जिस वक्त मौत आई मौत अंदर जमदूत अंदर आत्मा अंदर रोंदा है कलंदा है असि कोल बैठे हैं कोई मदद कर सकते हैं उस वक्त अनुसार बाहर बाहर वाले गुरु बाहर पुलिस वगैरह बाहर कौन छिड़ा है सोच लो बाहर तो सारे ने खुश किया तरमिस्ता मिल गया उन्होंने खुश किया एक थंडी का उन्होंने खुश किया बाहर वाले गुरु ने खुश किया इन तो किसी ने नहीं किया ना आत्मा दिखाई देती है ना जमदूत दिखाई देते ने सोच लो रुंदा रुंदा दिखाई देता है कौन छिड़ा है वो भी अंदर है जिन्हों अंदर ने ये अंदर भी है वो छिड़ा है तो छिड़ा है कोई साथ बोला है ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਗਰੋਲ ਕਿੱਟੇ ਉਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਮਾਰੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਿਆਨ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪ ਜਾਵੇ ਦੂਜਾ ਮਨ ਕਾਪ ਲੈ ਜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਰਨ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਤੂੰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਿਆ ਕਰੇ ਦਿਆ ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਤੂੰ ਦਿਆ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਮੈਂ ਆਲਮ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਠੇਕੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਰਦ ਦਰਗਾਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸੋਚ ਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਦੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਦੀਨ ਬਣੇ ਦੀਨ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਦੀਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਆਲ ਬਣੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੇ ਮਨ ਦਰਗਾਹ ਗਏ ਨੇ ਦੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖਵਾਸੀ ਬਾਲ ਸਵਾਇ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਮਾਰ ਕਰ ਸੀ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਨੱਚੜ ਪਰਦੇਸ਼ ਲੰਟ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦਰਗਾਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਸਰਦਨ ਨੇ ਕਦੀ ਰੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਟ ਦਾ ਤਜ ਬਰ ਕਰ ਮਾਂ ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋਜਾ ਰੋੜਾ ਹੋ ਜਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਸੱਚਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ठोकर सुगड़े में चोट लगी कहने खे बन जा फिर कहने ये नहीं खे ना कहते कपड़े खराब होंगे हाथ पैर खराब होंगे कहने साफ पानी भी तेरे बन जा कहने ये भी नहीं ठंडे दौड़ा गर्म मिल गया गर्म भी दौड़ा ठंडा मिल गया दुख कभी पानी हुआ तो क्या गया जो सीधा तत्व हो अर्जुन ऐसा चाहिए जैसा हरि हो अपनी हस्ती में मिटा जिन मालिक ने मिटाई हुई है कि वो शब्द मालिक का निशानी है सोच लो किसी ने गाला कटिया किसी रोटी बंद की
एडी हस्ती मिटावे तम तुर बंदा ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਰਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਹ ਨੂੰ ਪਰੇ ਪਏ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਗੁਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਨਿਆਸ ਬਦਨ ਸੁਣਨਾ ਕਾਹੀ ਕਾਹੀ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਨ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਕਾਰ ਮਰਗ ਦਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਾਹਰੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜੰਗਲ ਚ ਗਏ ਕਾਹੀ ਕਾਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੁੱਚੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਨੀਂ ਤਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਆ ਮਰਾਰੀ ਕਿਆ ਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਕਸ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਲ ਮਹਾਂਕਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੱਪ ਕੀਤੇ ਤੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਕੁੰਡੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਸੋਚ ਲਓ ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਛਾਉਣਾ ਇਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਅਭੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬੰਦਨ ਨੇ ਤੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਚੀ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਇਤਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀ ਹੈ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਸੰਗ ਚਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖ ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਮਨ ਸਕਦਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੂਸਰੂ ਨਾ ਹੋ 84 ਜਾਮੇ ਪੈਂਕੇ ਪਛੇ ਹੋਆ ਲੋ 70 ਜਾਮੇ ਸੰਤਿਆ 54 ਸੰਤੁਰ ਰਾਏ ਬਹੁ ਖੋਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੇ ਆਏ ਪਰ ਬੇੜੇ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਸੰਤਿਆ ਦੇ ਪੂਰ ਦੇਵ ਪੁੱਤਰ ਕੁਟਮੇ ਮਨ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਜੀ ਤੇ ਜਨਮ ਸਕੀ ਜਾ ਇਹ ਦਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜੀ ਕਿਨੇ 84 ਜਾਮੇ ਪੈਂਕੇ ਚ ਆਪ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਬ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਸਾਧੂ ਇਹ ਦਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਥਾਪ ਥਾਪੇ ਆਪੇ ਵੇਖ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਜੋਈ ਵੇਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜਾਤੇ ਆਪੇ ਸਿੰਘੀ ਨਾਦ ਆ ਪਿਆਰਾ ਨਾਦ ਬਜਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਜਪ ਜਾਤੇ ਖੇਲ ਵੀ ਆਪ ਉਪਾਇਆ ਜਿਸ ਆਪ ਲਾਇ ਸੋ ਕੁਲੇ ਸੋ ਬੁਝੇ ਜਿਸ ਬਜਾਏਗਾ ਆਪ ਹੀ सोचो आप ही काल पैदा की शक्ति रचने में काम देता चलाई है समुद्र खेल जो आप पाए उन्हें चलाने वास्ते जीवन लैके शिवंज कैद किया है कहना कारण शिव है ਉਹ ਨਾ ਕਰਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਸ਼ਮ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਸ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਰ ਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲਾਤਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਤੇ ਪਟਕਾਉਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕ ਦਿਵਾਨਾ ਮਨ ਖੁਣ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਇਤੋ ਚਾਲੇ ਕਾਲ ਤੇ ਚਾਤੇ ਦੋਨੋਂ ਖੋਜ ਲਹਿ ਕਰ ਆਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਮਸਤ ਅੰਤਰਨ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਣ ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਪੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਨਾਚ ਕੇ ਰੰਗ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚ ਕੇ ਕਮੀ ਮਜ਼ਮੂ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਕਰ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਤੋ ਚਾਲੇ ਕਾਲ ਤੇ ਚਾਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਤੀ ਵਿਸ਼ਣ ਆਤੇ ਸਮਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਜਾਲ ਡਾਲਦਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੀ ਕੋਟ ਹੈ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਭੂਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਕਣੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੇ ਸੱਤੇ ਠਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਗੰਗ ਗੰਗ
बोले जन को होता पाप उनकी सूझ सूर्य तेरे भगजान से बहते रहे सर्ग भी शिशु जी कही पाप ने तो सभी बुरा किया है सोच लो कि पुण्य नहीं किया है सोच लो कृष्ण ने लिखा अच्छे कर्म बुरे कर्म तुम्हें हथकड़िया ने एक सोने समझे एक लोहे समझो कहता हथकड़ी किसी ने फर्स्ट क्लास जेल मिल गई किसी ने सेकंड मिल गई किसी ने थर्ड क्लास मिली मेरा तो जेल जेल ही छुटकार देना है बुरे कर्म कीते नरक में चले गए अच्छे कीते सारे अच्छे हुए सुबह चले गए हथकड़ी शांति है उठे भी सड़क पे जिसमें इतने सड़क पे लगी पे एक दिन जगह उठे भी लगी पे है फिर अच्छे कर्म का फल खत्म होया फिर चौरासी प्यार है फिर मृत मंडल फिर इतने आंदा देख लो कृष्ण ने लिखा है कि हे लो ये जो कीड़ा जंदा है कई दस शरीर में अंदर में कई दस शरीर का तब बन में है अज ये कीड़ा है असि रोज पढ़ते हैं इंद्र पुरी में सिर पुरी में ब्रह्म पुरी में चंद्र में शिव पुरी में हृदय काला त्राग में मेरा दिन सोता हूँ छुटकारा न होया सोच लो ये जाल पाया और एक मिशन के तीन लोग का पिंजरा है पाप उन दो जाल सदो जीव सब है एक ही का उन्होंने कीता है सब गए अजीरा तुम लोग को आए पड़े पास काल हो अजी तुम लोग के रहने वाले सत लोग के रहने वाले सचखंड के रहने वाले मुकामी हक के रहने वाले काल दे बात चाहिए मैंने सुनती नहीं है तुम्हें रखे बुनाई हो ये बुनाने सामने किया है इस नौ कहने हैं कि मन तुम ऊपर मांगा पिया है क्यों ऊपर मांगा जो जाप नीम बर्त पूजा बहुत ऊपर सारा हो जैसे बुद्धि को टाटी के दिल से चढ़ा हो शिकारी जाल तान के नीचे दान डाल दूंगा जानवर तो पेट भरने वास्ते है उल्टा फंस जाता है सारे फसाने वाले हैं देख लो किडी किडी जब तक कीते पूरे योगी हुए फसाने वाले हुए ना छिड़कारा तो ना होया हथकड़ी तन टूटी ना सुनाते हैं ये दाते है आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी है इतनी परमज पई है निकलना राह नहीं छड़िया इतनी उलझ गई है उलझती उलझती चली जाती है दर्द सुन लिया दर्द जीव जी जाना पड़ गया उलझना महसूस कोई उग्र सावधान गुरुवाहित सुलझाना औखा है इस तरह उलझिया पे है सारा जीव जिन्हें कर्म धर्म जिन्हें नाश करी बैठे हैं सब बंधन ये वास्ते कर्म धर्म सब बंधना पाप उन संबंध महतम बंधना पुत्र धन जहां देखा था जीवी माया का संबंध नानक सच्चे नाम बिन वर्त सोच लो सब मेरे खाते सब सब इस ठगियां पे ने जल कोई छुटकारे का रास्ता नहीं ये धातु ने अपने हाथ से रखी है फिर बोल आत्मा इतनी कमजोर हो चुके हैं उठन की ताकत नहीं हूं जब तक इन अंदर शब्द इंजेक्शन ना उठ नहीं सकते वो कोई बिरला फकीर है जो मर के बख्शे हुए सह सतु राह पा करे कि आप उनको घूम फेंगे गुरु का शब्द गुरते टिके और ते पर मुहे नीचे लिखे दैट इज वन ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश दैट इज वन ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट जिस तरह मांस पर मांस पैदा हुआ आदमी तो बच्चा पैदा हुआ इस तरह जागने में तो भी जागती है ये दाता है अपने हाथ च है फिर उठ सकती है इस तरह जिस तरह खट्टे का बूटा है गोभी दो पानी दो क्यों निकलूगा की फल दो खट्टा ये माल्टे रुपये कर दिए फिर माल्टा बन जाओ ये संतरे भी कर दिए संतरा बन बूटा दे ही है देख लो ये मिठे भी कर दे मिठा बन जाओ इस तरह वो पीऊंगा है और प्यों का है जो इंजेक्शन देने रूह के अंदर उन्होंने कहते जिया गाउन जन्म गाने नए जन पर कारी आए जिया गाने भक्ति लाइन हर सिंह नाम लाए मुसलमान कहते बाई थोड़ा मेरे जन की इनिशिएशन वो जिया गान जब तक नहीं उठ नहीं सकती वो जी सकती पी है काम कर लगती अगली च जिन वो तब्दील हो गई खट्टे ते मिठा बन गया संतरा बन गया माल्टा बन गया रूह भी बदल जाती है जो नहीं गोडी पाड़ी सुन वगैरह करो ये बदल जाती तासीर है लाई है ये निशानी में लग जाने कहने असं इन्हों तक परिवार ना जिन्होंने जिया दान दिता सब उन्होंने पढ़ाता कहने ने हाँ अमृत नाम महारस मीठा गुरु नाती अमृत पियावनिया कैसा है मिठे तो मिठा प्यारे तो प्यारा जिसे मकाले कोई लज्जत नहीं
जब नचना लगना दुनिया सारे नचता फकीन लगना जानी है फरीदा शक्कर खंड नवात गोड़ माखियो माजा दुध सबे वास्तु मिट्टी में डबना पड़ने तो धन कल इस गोले सब नहीं जब नचना लगना सारी दुनिया नचता ते सारी दुनिया चीजा ते सब तक मार दर सियांदा ही नहीं गुरु रामदास ने नई नजर की लेने में मसुद्दा सब पीत सागर कंटन दिन काट के दीजिए मेरे ठाकर के जंग में हर अच्छे हर मंगे हर रस दीजिए जिन्हें लज्जत ले ली है इस दुनिया में सत समुद्र में सत्य बादशाही है अगर सारे दांत कट के पास रख दिए उन्हें कुछ भी लज्जत लेनी है नाम की रस की लज्जत लेनी है कहीं सियाण दे नहीं सोचो ये सारी दुनिया फसी है कूड़ च कूड़ सियाण दे नहीं रोज पढ़ने हैं कूड़ छड़ो कूड़ राजा कूड़ पढ़ जा रोज पढ़ने पौड़ी पौड़ी चढ़ो कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैसनार सारे कूड़े कड़ी चीज नाल जाऊ कोई चीज नहीं नाल जान वाली मैं उठाने बेनती तू जो कूड़े कूड़ मन कूड़ा कूड़ सारी दुनिया फसी पेतर लोग तक कूड़ का दायरा हृदय सिद्धि शक्तियां सब कूड़ च ने सब कूड़ च ने इको ही भर्ती है मेरी शब्द गुरु की कह लो सच्चे नाम की कह लो जो छिड़ाने वाली है अमृत है वो शांति देने वाले विशुद्धा सब देता सागर कट कट चिन कट दीजिए मेरे ठाकर के जन उन्हें हिम्मत हर मांगे हर रस दीजिए जिन्होंने रस नहीं लिया उन्होंने हल किया साकर नारे सब भूखे मेरी भूख न भूख दीजिए कावत आए दाय प्रीत माया ना कोस उनको बीत दीजिए सोच लो साकर जेने ने मनमुख ने सारे मनमुख हाँ इन्हें पीछे मर गए हैं लोकी जी देख लो पूरे पीछे देख लो तो सियाण दे नहीं तो लज्जत ऐसी मिट्टी की मिट्टी मिलती कि नहीं गुरमत नाल गुरमत नाल दुनिया किन्नी मत ने असल दो मत ने मनमत गुरमत सारी दुनिया मनमत है मन उतरे बोले सब को मन मारे भिन्न मत न हो जब तक मन नहीं मरता गुरमत नहीं सोच लो जब मन काबू नहीं गुरमत नहीं गुरमत तो किरा गोला जिन्हें मन में बस किया है मन तीन संतन संगति जिन मन बस की ना तन धन सर्व अपने पर जन दो दिन मधु संतों के दास जिन्होंने मन मान लिया उन्होंने सब जाके ये मन काबू होना हो कोई तरीका नहीं गुरु अमरदास देख लो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे एक ही बार गंगा स्नान में गए कितने वर्षा दे पिंड कितने हरिद्वार पैदल जाना पैदल आना करैक्टर भी चंगे समय देना चाहता फिर गुरु साहब दिशा में चाहे देखो फिर उसे 12 साल कड़ी तो कड़ी सेवा की थी दिन सेवा करनी रात में किले में केस बनने मार्ग भी प्राप्त की थी हसी भी मटाया बुलादे खड्डे च गिर गए उन्हें क्या एक ही गला खड़का कादा होया कोई कम कुम तन गई कंध गड़ी गिरी होनी है हम सामा कुड़ी में टुकड़े डिपे है पहले तो गर्द नहीं गिरने थी जिसमें ख्याल नहीं किया तू तो ख्याल नहीं किया की क्या है तो जरूर कहता तो मुंह च निकल गया चलिए मैं मिथावा खेवा मेरा थो गुरु आ तो पग दोगे जलाया नलाया तलाया गुरु साहब ने पूछा कोई गल की दसू ए ना हस्ती मिटाना दिल च ख्याल लाना तो की क्या है उन्हें ऐसे लड़ने तैयार हो जाइए ए ना हस्ती मिटाना देख लो मेरा इन जरूर पागल होके आ गई इब्राहिम बादशाह कबीर साहब पास 12 साल रहा टट्टी ठाई और हम कम किते जो 6 साल हुए मैं लोग नहीं गया कबीर देख असि गरीब जुलाहे और बादशाह की सेवा कर दे कुछ बख्शे करने अभी लायक नहीं होया कहीं जब किस तरह पता लगे कि तो कबूरा लगे ऊपर चढ़ जा छाते मुझे बाहर भेज दू कबूरा पा दू छुप जी की कहने देख मैं इस दिन की तक कबूरा लगे ऊपर चढ़ गई जब बाहर निकले अपने बेटे के कम करे जब गया मैं कूड़ा पाक पड़े हुए छुप गई कहीं होंगे ना बल पुराना मैं देखना बेटे कौन कूड़ा पाऊंगा किसी ने पूछा की क्या 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 जी कहने जी बल बुखारा के अंदर पे है मैं राजा सी सोचो जब 12 साल होए तो इस अगर हूं भी तैयार है कहने जी मैं तो उस दिन देख दी मैं तक खुली सी कहने के तो कूड़ा पाया हूं टट्टी विशाल को होके पा दे जो पाया ना कहना पाउन वाला तेरा पला हो मैं तेरी भी दंदा ये ना हस्ती मिटाना ताज चीज आँदी है नहीं आँदी
ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੜਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰਾਸ ਮਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਸੂਈ ਲਈ ਦਰਿਆ ਸਿਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਕੱਢ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੂਈ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂਈ ਮੱਛੀ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਆਵਣੇ ਆ ਗੁਰਮਤ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਨੱਚਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕ ਸਿਰ ਖਾ ਜਾ ਟੈਕ ਸਿਰ ਭਾਜੀ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮਨ ਐਸਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਦੇਖ ਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆਖੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕੜਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦਾ ਖਾਏ ਹੋਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਸ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਦੇਖ ਲੋ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦੂ ਸੱਚੋ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਐਸੀ ਬੁਲਾਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਰੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਮਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਮਨ ਨਾਲ ਸਤ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜੰਗੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਗੁਰਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਵਣਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਸੇ ਹਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸੇ ਹਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਛੇ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਬ ਫੇਲ ਹੈ ਅਜੀਬ ਰਾਜ ਨੇ ਅਜੀਬ ਭੇਦ ਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੁਫਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਏ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋ ਪਾਵੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਸਰੀਰ ਆਦਮੀ ਪੀਰ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਵਸੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜਿਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੇ ਸੋਨਾ ਕਰੇ ਪਾਲਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਲ ਪਰਪਰੇ ਪੰਡਾਰਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰ ਪਰ ਜੁਲਾ ਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਣ ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸਵ ਉਪਜੇ ਸੰਸਾਰਾ ਸੱਚੀ ਆਖੇ ਦੇ ਚਾਹ ਵਰਨ ਕੋ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਖੇਲ ਪਾਇਆ ਰੱਖਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦਾ ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰਾ ਸਰੋਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਨਵੀਆਂ ਕੋ ਨਵੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸੁੱਚੋ ਹੀ ਬਣ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦੇਖੇ ਸੂਰਜ ਦੇਖਿਆ ਮਾਲੂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਲੂ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਗਿਆ
जे तू अद्धी रात में सूरज देखते हैं तो मेरे गल कर। वो कहने हजरत अद्धी रात में सूरज कौन देखता है? कहने पाक रूम जी अंदर जाने वो देख लिया ने। चुप कर गया। बच्चे ने क्या सीधी रात में क्या देखो भाई सूर्य चढ़िया है जी? नहीं। दूसरे ने पूछा नहीं। गुरु ने पूछा हाँ जी चढ़िया है जा कपड़े तो ले साबित किया भी अंदर है वो चढ़िया है। इस कायंदर क्या नाम है सूर्य चंदा यह नाम तारा इस कायंदर उतर पिंधना क्या नाम होता हाँ दिन सिद्ध के भरे कुट भंडारा इस कायंदर गंगा जमुना इसका अंदर अनंत बर्जे पर से अमृत धारा इसका अंदर तीन लोग मारा कह सुनो अब भी आएंगे गुरु का हमारा वो लख पार सतगुर वो भी इसके अंदर है सब कुछ अंदर रखे कोई चीज ऐसी नहीं। भाई गुरदास ने लिखा नौ नौ त्रिलोकी की रचना सोचो पढ़ देंगे तो ख्याल किया रोम रोम में रखी कर ब्रह्मंड कोश मारा एक एक रोम बिच दस दस अवतार उतारा सोचो इतना खेल के अंदर पता नहीं डॉक्टर पे मेरा इंजीनियर पे मेरा हो रहा है इसने सब कुछ के अंदर रखे कोई चीज ऐसी ना देख लो ना वो तीर्थ मेरे अंदर नहीं सारे इधर काशी मथुरा है यह भी गर्भ बना रहा हूँ कहीं ना कहीं मैंने अंदर देखी है प्राग से जानने में थे तुम मुझे सुनो कोई अंदर असली ये मेरा इंदा असुना तीन सिखाई जने संगत प्राग कर धर्म पढ़ गए ना वो हम सब भी अंदर है। इस कारण अंतर निम्न अनुसंग आए सद सोचे सास सुनाए सोचो हम सब जिक्र मनासन ने किया है रामदास ने किया है का अंदर में से सत्या मंत्री है पाइसवाई और सोच लो असली नमूने साढ़े समझाने वास्ते सी सोचो सब कुछ रखा कोई चीज ऐसी नहीं दिखा दी मैं मेड इन माय ओन इमेज मालिक ने इंसान अपने नमूने ते बनाया है जिमें बीज की परवरिश करो पूरा दरख्त बन जाता है पेड़ सब फल फूल निकले आने इस रात में कोई ठीक परवरिश हो गए कोई ऐसा फकीर मिले ये आप ही सब कुछ बन गए आप ही मालिक बन गए हाँ अकुट पंडारा तिस विच वासे हर अलख अपारा कोई चीज ऐसी नहीं जी ना सब कुछ करनी बाहर नहीं बाहर टोले से पर नहीं हाँ तिस विच वासे हर अलख अपारा प्रगट है आपे सोचो कुछ चीज है जिड़े मेरे कम कर दिया रंग लाई लाल हरा पीला अंदर बैठी कटिंग कर दी है दिखती नहीं कम कर दी दिखती है तू वरना चेहरा वार हर दिशे अजारा है ना कोई चीज एक सीखने वास्ते साथ की लड़ है ये मन की बेरने से कुछ फील मिले फिर ये हासिल कर सकता है इन्हें कोर्स करने के बाद प्रैक्टिकल करना पैदा है फिर नुकसान का पता लगता है जो नुकसान कटे हुए क्या कूड़ा पाया कहना जे अजय बल्कि हरा अंदर पिया है सोचो इस संत सुबह जाके वो जिन्हें साढ़े नुक्स ने जिन्हें साढ़े ऐप ने जिन्हें
खराबियां ने सब अंदरों कढ़ देने ने संत कहने की ने किन्होंने पहले तो ही पता नहीं संत कहने की ने बोलने ने हाँ उन्हें बोल उन्हें सदगुरु उन्हें हीरे वैसे मिले सदगुरु हाँ जिनके हीरे बसो मेरा सतगुरु ते संत पले पाल पाता ये सतगुरु ने प्रगट किया सतलोक पहुंचे ने सतगुरु पकड़ के उदम संत है हाँ साधु कि कहने ने जो पार ग्रंथ जाता है पार ग्रंथ सात हृदय से नानक दे सात सुन से एक ईसा ने कहा सात सही जी ने कर दीना नौ दरवाजे प्रगट किया दसवां खोल जाए जिन दिना जन कुहरा मारा है आगे से सुनना भाई मान सरोवर पैठन आई हंस मिल हंसा हो जाई मेरे जन मारा है इन दरवाजे बंद करके दसवां खोले इतने ताले लगे हुए ने अगे जावे मान सरोवर नावे मुसज नावे प्राग नावे फिर वो साफ होंगी है फिर साधु बनता है हाँ फिर वो साफ होंगी है फिर मार्ग दे सकता हाँ जिनके हीरे बसो मेरा सतगुरु ते संत पले पाल पाता ते संत पले पाल पाता तीन देखे मेरा मन भी घिसे तीन देखे मेरा मन भी घिसे और तीन के दूध और पानी बना के रख दो चुनिया मार 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 दूध अड कर दिया पानी अल कर दिया इस संत ने चोटा मार मार के वचन ने चोटा मार मार के जिन्हें भी आए पाप ने सब कर देंगे ने जेड़े इन्हें पता ही नहीं केड़े ने हो हाँ निंदा निंदा या चुगली ईर्ष्या वगैरह रूह के मर्ज है रूह के मर्ज नहीं पता ही नहीं बाली बीमारी ने पता इन्हें पता है जड़ते ने सारे जी हाँ अगर लगी पे निंदे सारे पासे एक साधु दूजे दी कम दूजे दी एक मतलब दूजे दी निंदे निंदे लगी पे है जिथे निंदे है निंदे क्यों कर देखो पैड़ा ता ही कर दे सोचो जो का स्मरण करोगे थोड़े अंदर वही बसो कहूँ बसो निंदा भली कहूँ कि ना मन करण मुँह काले तेने निंद करना के करो उदास में गया जो अक्सर तीर नावे जो द्वारो सिला पे जावे जो गम करे तुम खेर आखिर क्या ने मैं बिकसो साल बचाया आखिर क्या नरक सुधारे हाँ अगर मरीज बीमार है तो वह शरीर सेहत से कोसों दूर है जिसमें अब तक रूहानी मर्ज मौजूद है उसे रूहानी सेहत कैसे नसीब हो सकती है सोचो क्यों है ये बीमारियां किन अंदर जा रहे हैं ये रुकावटन है बस वही हाँ इसलिए हमें आप एक बार प्रगट है हाँ आप प्रगट है आप गुरु शब्दी आप जिन्हें ग्रंथ शास्त्र में कहने मतलब लोग तेरे अंदर नाम है तेरे अंदर सतगुरु प्रगट कर
वो अंदर है बाहर नहीं। सोच लो नाम के प्रगट करने का मर्द रुकिया नाम या शब्द उन प्रगट करने का उपदेश देंगे कोई नहीं, वो असं किया ही ना मन ही ना। सोच लो नतीजा की देंगे गुरु अमरदास किन्नी सेवा की किन्नी मेहनत की आखिर नतीजा की देंगे ने। हर की पूजा दिलांगा संतो कहना कछ मिल जाई संतो गुरु पूरा पाई नाम खोज कराई। कैसे सारी दुनिया मर्द की पूजा कर दी है कसर कोई नहीं छड़ दी। जी असली पूजा है और मिली दुर्लभ है मुश्किल है की है। अगर इन पूरा गुरु मिले पूरा फकीर मिले वो कहेगा तेरा संग तेरे मेरा तेरे ने सच्चा नाम वो पूजा कर प्रगट कर बिना में पूज ना हो पर लुकई बिना में ढोई नहीं तंग हो कहे खुआरी बाकी किन्नी जतन कर लो जरूर जरूर करने वाले हो। यह नाम की पूजा है शब्द गुरु की पूजा है प्रगट करते यही पूजा है ये प्रगट करने का जतन करे ये जिंदूत काल कोई नेड़े नहीं आता। वो फकीर जरा सुन दसते ने वो तरीका दसते ने संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को पागी पाए वो सारे हाथ पाप कर देता है कोट जन्म के पिल किल काटे हर चरणी चित लाए संतो राम नाम निस्तरिए। सोचो राम नाम एक तरीका है राम प्रगट करने का राम नाम जेड़े मालिक दरगाह च लैके जाता है जी अरे ओला नाम का और जे कन कराम तेन भाव जाम का सुनो जम जम लत जाऊगा के इस नाम में प्रगट कर वो सू ठोकर मार मार के ऐड कड़ देंगे ने सारे बंधन चिड़ा देंगे ने फिर ख्याल रखेंगे पिछे कट्ठा होंगे फिर नाम मतलब पैदा जिन्हें मतलब इस रोज पढ़ते हैं सतगुरु की सेवा सफल अज के ऊपर चितला है केड़ी ये बहाली नहीं ये बहाली अपने अद ठीक है वो केड़ी है बंधन तोड़े मुक्त होए सच रह समाए अनेक बंधन फसे पे तन दे मन दे तन दे और दे बाल बच्चे मेरे रिश्तेदार ने कौम दे मजह दे देसन दे पढ़ दी रोज क्या मन मात पिता संसार बन सतकन्या बन कर्म धन किया बन पुत्र मन दिया बन देव बाद का सोचो ये बन तोड़े तो नहीं जाए फिर नाम मिले इस जग में नाम अलग है ही नहीं। सोच लो गुरु से मनाए गुरु मत नगरी खोज खजाई हर हर नाम पदार्थ पाए अंदर आए फिर चीज मिले ये सारे बंधन तोड़े वो साढ़े बंधन तोड़ने ये बंधन फंसे पाए ये बंधन ही सू बार बार दुनिया चाहते नहीं है सू रहने का तरीका नहीं की रहने का तरीका रहने का तरीका की है नरक में मौच रहे घर बार छे भी कुछ नहीं मानना घर बार छ बने की ये किसी का देना है किसी का लेना है जिन्हें दुख दिता तो दुख लेना जिन्हें सुख दिता तो सुख लेना है कि रहने का तरीका नाल दिन थोड़ा देता उस गुजारा कर लिया ज्यादा देता उस गुजारा कर लिया बादशाह भी देती कि उसे दी जब मर्जी ले जाए बच्चा पैदा हो गया दी मौज मर गया दी मौज बीमार हो गया दी मौज ये तरीका रहने का जो पावे तो राख ले ये त्याग ये करते हुए अंदर नाम प्रगट करने जतन करे छुटकारे वास्ते यही दुख सुख हो गए यही लंघ में मुकावे होर किन्नी कर लो कर्म संधड़ा खेत पढ़ दिया जब ये कर्म करते हुए बनता है कि छुटाने वाला कि भगती छुटाने वाली है कर्म भोग में बोलो नाम पूर्ण हो तुम्हारो काम ये नाम बोले ये नाम प्रगट करे फिर छुटकारा है ये असली भगती है जो जन्म में छुटाने वाली है कीमती बात है समझने की गवर्नमेंट ने तुम्हें बिजली देती इन्होंने बल्ब जला लो सुख लै लो ट्यूबा चला लो सुख लै लो हीटर चला लो सुख लै लो पखे चला लो सुख लै लो कारखाने चला लो सुख लै लो ठीक है जी हथ लावो जी हथ लावो साढ़े जी भी सोच लो इस तरह राम नाम की करंट सब दिन है कि बल्ब ऑफ करता बुझ गया ऑन करता जल गया है तो उत्थी करंट कई दफा तुम देखे होने ढंग समझ आती है मत समझ आती है किसी ख्याल च बैठे हैं वो कम नहीं करती फिर उद ख्याल करो दबाओ फिर कम देने लग जाती हो ना हो करंट उस करंट में असि लाया कंट्रोल कारते इसलिए सड़ते पे हैं। अगर शिव शिमा संतोख तिरज विवेक दिन तर कोई भी तो लाइए अंदर शांति आ जाए फिर जो उन्होंने कारखाने चलाया कि वीर दा कि प्लास्टिक दा कि गन्ने दा कि कोई कि कोई बगैर करंट तो नहीं चलता देख लो जड़ी भगती करो किसान लग गया जो पुत्र पूजा करता पुत्र को जाता पितर भी करता पितर को जाता देव देवते भी करता उन्हें को जाता छुटकारा करना है सोच लो
अगर सानू कोई ऐसा मकैनिक मिल जाए जिहड़ा करंट पाउणा सिखाए, असीं करंट पकड़ीए, जिधर आउंदे तो चल पीए, कितें पहुंचांगे हैडक्वार्टर गए, फिर जो मर्जी करो। इस तरह कोई ऐसा वकील मिले जिहड़े राम नाम दे करंट पकड़ना सिखाए, यह करंट पकड़े तो सीधी सड़क है जमीन सड़क मालिक दरगाह पाउण दी। गुरु खान पंथ फट ला तो ठाक ला कोई पाए, हर नाम सलाम नाम मन नाम रहने लग लाए, अन्य तुम दर भाई दे सोचा जा सच्चे सो बता है, शाद मिले तो हर मिले सेवा पर सब था है, अगर वह तलक पाए समझो मार्ग में तलक पाए गए। सुरत शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कबीर दान देखिए बैठा पुरुषम, शब्द बिना सुरतांत्री कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भी लटका खाए। ये गुनाम सामने काजी रुकु में क्या सी, तू इतने पांगा दिंदा तेरे अंदर पांगा दिंदा पे है, कुछ की आवाज आ रही है ऊपर खास महल दे दे रे मां खुदा है सुते बन में सुन सके रे खुदा जगा को पागम मस में है। हां ये असली भक्ति जी जन्म दे में छवा वाले, बाकी जो मर्जी करो सारी दुकान खुली है। हां ये शांति देने वाली है जेड़ा रोज पढ़ दिन सी क्या ना मिले मंत्र के बिना मित्र की जीवास, अगर शांति तो नाम विच है तो बगैर जिंदगी खराब बस गई। को गुरु सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभु मुमताज, मैं तिस विटो चौखनी में नाम करे प्रकाश, कि मैं उस महात्मा की जान भी प्रवान कर दे जो मेरे नाम प्रगट करना सिखा दे, नाम प्रगट करके दिखा दे। जिस वक्त को लाइन तो आया राम नाम संतन कर पाया, यही पड़सा ने क्या क्या संत स्ने ही नाम है, नाम स्ने ही संत, नाम स्ने ही संत, नाम से भी मिलावे राह राखव कारण की राह बतावे, जब तब तीर्थ व्रत करे बह तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेंट ना हुई, पलटू ये है प्राण पर आज से पिय रंग, संत से नहीं नाम है, नाम से नहीं संत। बगैर उस्ताद कोई चीज नहीं मिलती, वो मेहर ना मिलता सतगुरु जी, वो मेहर ती है सारा, वो सतगुरु एक ही है, वो वही अर्ज कर इतनी दुनिया भुली है संत की हुआ है संत की चीज से कड़ी शक्ति सी शब्द दी, और शब्द कम करने वाला सी दे नहीं दे तो सारे सुनवाने वास्ते है, ब्रह्म बोले काया बोले काया बिना ब्रह्म क्या बोले, शब्द ही कम करने वाला है, अगर ना हो गए किसी ने डॉक्टरी की उसे डॉक्टर कहने है तो साढ़े वर्गा उस इलिंदा ना डॉक्टर है जितने शब्द हैं सब कहने से बाद नकल चले गुरु ते गुरु चढ़ गए ने गुरु गए चिल्ले नहीं रहे देख लो गुरु ते गुरु चढ़ गए वो किसी शब्द नानक आर अंगद अमर सतगुरु शब्द सुनाया तन तन गुरु रामदास गुरु जी पास पास ना ईमान साहब जी मैं शब्द गुरु आया देख प्राणी हो सिटी गुरु जी साहब बह गया दो बन गया शगन फिर गुरु अमरदास बह गया फिर गुरु रामदास बह गया हूं कहने साढ़े ती मेहर की है शब्द ही कम करना मेरे तो है ही नहीं ऐसे कि नहीं आ रहे हाँ जेड़ा गुरु बने वो बस हो गए खत्म जेड़े मालिक दरगाह गए ने उन्हें कदे नहीं कैसे गुरु ना उसका पास कोई आदमी आया पूछे गुरु और चेले के मतलब उन्होंने कहा रेती दास सुनो तुम भाई या कि विधि कहूं समझाई नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला बोले सामने एक अकेला एक बोल सामना ही विराजा गुरु चेला द्वादश साजा दी तो पहला आगे एक चेला गुरु चेला हो नीक विद भाई गुरु हो चला सी जाए चेले तो फिर भी छुटकारा तो निमरता था यही दिन तो बने कुछ गुरु तो हंकार में भर गया हंकार च मैं गुरु हाँ कहना चौरासी जाई कोई छुटकारा नहीं है किसी ने नहीं किया मैंने गुरु गुरु सिंह की कहने जो हमको परमेश्वर सुनर कुंड में पर मुको दास तबन का जाना या मैं भेदना रंज पछाण मैं दास हाँ सोच लो मैं दास हाँ सोच लो वो दास बने ने कद नहीं क्या सी गुरु सोचो कोई अफसर के पास बैठा क्लर्क या चपरासी उधर बैठे को कह सकता है मैं नहीं कर सकता मैं डर नहीं जेड़ा मैं सतगुरु को जानता है वह किने कहे मैं हाँ सोचो किने कहे जेड़ा कहने मैं हाँ बस गया जरा कमान आया बस गया जब मन में कर कमाना तबे बाल फिर कमाना जब हुआ सब की रहना ताते रमे घट घट जी हाँ जी कोई कोई गुरु है जो भक्ति दाता है वो आप बंदोबस्त करे तो करे किस देखते आदमी ये दात उन्हें अपने हाथ से रखी है असं रोज पढ़ते हैं वे मेरे साहब गैर मीरा गुणी जीरा सोच लो ना फिर किए मैंने सुरता में आला थक गए इतनी सीधे प्राप्त कितिया हो किते किसी ने मिले किन मिले आखन वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे भंडारा जिस दिन बख्शो तिसे के चारा नानक सच सवार इनाम की भक्ति वो भी मेहनत मिलती है
ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। मालिक दे हुकम बिना कोई जीव सच्चे संतां दे कोल नहीं जा सकता अते सच्ची भगती विच नहीं लग सकता। संत जहन्ना ने लिखिया कि हजरत ईसा ने फरमाया कि जीव दी अपनी कोई ताकत नहीं जो मेरे कोल आवे अते मेरे नाल संबंध पैदा करके भगती विच लगे जब तक ओ मालिक खुद उस जीव ते मेहर ना करे। फिर फरमाया कोई भी मेरे कोल नहीं आ सकता जब तक ओ पिता जिसने मैनू भेजा है किसे जीव नू प्रेरणा ना करे। संत उना जीवां नू ही चेतावने हन जिन्हां नू मालक उना दे हवाले करता है अते संत भी उना ले ही मालक कोल दुआ करते हन। कोई मग नू बनाने कोई होर नू फौज नू भर्ती करनी सोचो ओ तां अधिकारी जीवन वास्ते आउंदे ने जिहड़े तड़फदे ने कि मैं वापस जाना चाहुंदा शांति शांति आनंद आनंद ठेके लिए बैठे हाँ जेडे उ गए ने आना नहीं चाहते सोचो जेडे उ गए ने आना नहीं चाहते असि ठेके लिए बैठे हाँ असि निकलना नहीं चाहते। गुरु सिंह की कहने में दो ते एक रूप हो गयो चितना भयो हमरा आवन को ज्यो तुम प्रभु चुबेरे ईश्वर प्रभु चरण में ज्यो तुम प्रभु हमको समझाया इनका के इन लोग बैठाया कि पहले मैं नग सी जब भर्ती करके मार्ग दरगाह गया तो तुम खुशी शांति आनंद और प्रेम देखा मेरे इतने आने जी नहीं सी करता मार्ग जिन्हें इतने समझा के भेजा तेरा कम तो बन गया जब मर्जी आ जब मर्जी जा समझाया शायद के मन दे सोचो देख लो असि छड़ना नहीं चाहते कहने वास्ते असि फसते फसते हैं होर कम बना ले मजहब बना ले होर छापे पै गए देश बना ले ना जो देश नहीं ना जी कम नहीं कि कौन रोज पढ़ते हैं कई जन्म का कीट पतंगा कई जन्म का मेहनत करंगा कई जन्म पंखी सर्फ हो कई जन्म जो सोचो कीड़े पतंगे भी बने फिर कि कौन मजहब रही सोच लो पता नहीं कई दफा आदमी की पता नहीं कड़ी कड़ी काउंट पैदा हुए हैं किन्ने साढ़े बाल बच्चे पहले हुए मुझे यार नहीं भी भूल जाएंगे रामचंद्र जी काउंट कड़ी सी सूर्यवंश सी कृष्ण गांधी चंद्रवंश सी सोच लो कड़ी काउंट रही किड्डा हिंदुस्तान सी किड्डा पंजाब सी कितनी तब्दीली आ गई ये तो जगह होनी है पहले वो सारे फना फिर बन गया किड़ा देश ली कड़ी काउंट रही एवं ठेके लिए बैठे हैं ये काम करी है ये राम दिया इंसान अपने घर पहुंचना सी अपने देश पहुंचना सी कहने हैं अपने घर सुख है जब तक अपने घर नहीं पहुंचता जब तक सुख नहीं वो यदा घर है सचखंड का सतलोक का अमरलोक का जब तक उतनी पहुंच उठे वास्ते हम नहीं होंगे चलो वापस चलो अपने राज उठे जा कमाओ ये मिट्टी के सब पिछले लड़के मर गया। हाँ आमीन। नानक साहब फरमाते हैं कि उस सच्चे मालिक ने आप ही सब जीव चाहे खोटे चाहे खरे पैदा किए हैं अते आप ही खोटे खरे दी परख करने वाला है आप ही खरे खरे परख के अपने खजाने विच वापस दाखिल कर लेंदा है। बाकी सब जीव भरम विच फस के पुल्ले फिर रहे हैं अते चौरासी विच धक्के खा रहे हैं। खोटे खरे तुद आप उपाय तुद आपे परखे लोक सवाए खरे परख खजाने पाए खोटे परम पुलावने। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जिन्हां नूं तुर दरगाह तो हुक्म हुंदा है उही सच्चे नाम दी भगती विच लग सकदे ने। तुर करम पाया तो जिनको से नाम हर के लागे कौन उन ते सुखाय तित करना बाजे। हां शमसे ने भी किया कि तुम पता नहीं मैं की हां मैं इतने नहीं जी नहीं करता मैं बादशाह ने करार करके इस करके बने इतने बैठा असि सारे इतने मेहमान हाँ एक गंदा देश है और रहना नहीं चाहते असि छड़ना नहीं चाहते। हाँ इतने किसी ने सुख है जेल में सुख होंगे सोचो जेल में सुख है अस जेल चाह
तीन जिला जाओ देखी जाए तीन जाए तीन शिलों चायद है इन कितने सुख तंदर सुखिया कोई ना देखा जो देखो रहे कि दे इतने सुख है नानक दुखिया सब संसार सुख चो सड़क पैसे सुख है बादशाह सुख है कितने सुख ये सुख है देश ही नहीं जिन्हें असि सुख के समान पैदा किए सोचो इस शांति मिली मैच मिली भाषा च मिली सोच लो विषय कारण मिली जिन्हें विषय भोगदे वह दो मिनट की लज्जत है फिर बहुत स्वतंत्र प्राप्त हो गए भोगे रोग संत हो गए फिर अन्य बीमारी की बीमारियों ने हस्पताल से हस्पताल खुले पे ने इन पता नहीं ठीक है एक निख स्वाद कारण कोट दिवस दुख पाए कोट दिवस करोड़ दिन एक निम्ख भर की लज्जत नतीजा यह है सोच लो पढ़ते दिया इन्हें दुख उठा पैदा इस सुख देश ही नहीं देख लो कितने है शांति शांति के अंदर है मन में प्रगट करना चाहे अपने देश पहुंचना चाहे फिर जब मर्जी कर लै जिस खोले कबीर साहब कहते हैं हम जाने थे खाएंगे बहुत जमीन मां जो कहते हैं रह गया पकड़ ले गया काल की पता कट्ठा कट्ठा कराया मैं सब करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा जल पता लग गया ये बंदा थोड़े दिन नहीं करना है दस बारह साल दी उसे पहला वो थे आपने हिंदुस्तान के आदमी गए उसे कोठी बनाई कारखाने बनाए एक मिनट चलो कड़ते खाली हाथ आ गए की पता काल खेड़े ला जे इस उसका देश ही नहीं है प्राय देश बैठे हैं इतने कोलमी करते पे हैं सत्य वड्डा मजबूत रस्सा केड़ा है उन्होंने धन फिर कह किसन बासा बिछा मैं दीत करा रही है बड़ी दीवार है ये मुसलमान की कहने मियां ने आशको पाशु ये लाल ने तू खुद हर जावे खुद ही अजमिया मरखेस कि तेरे और मरख दरम्यान हर को बड़ा वड्डा तो हमें दा खुद ही दा इन चक दे मरख सामने है सोच लो सरोज पढ़ दिया हूं बचाया हूं गया हूं जमे हूं जमाया हूं सचार को याद हूं पाप हूं हम इन ले फिर दी है छड़ी सी हम छड़ी की जिन ना मेरा कार मेरी जमीन मेरी जायदाद मेरे दुकान मेरे मजहब मेरे देश सोच लो हम इन चेक की फिर दी है ये बड़ी दीवार है जिनमें कम कर दिया हम बस तीर्थ पर कर दान कर मन में धरे कुमार नानक ने फिर जाता जिम कुछ नानक कुछ कर दें जी किता हमें आई तो बस खत्म किया किराया सब गया जब अहंकार तन मन दिया तो बल किया सिर का जैसी भार जो कहीं का मैं दिया बहुत सहेगा मार सोचो ये हम वी है हमने तो बस होकर ऋषि मुनि ने किन्ने किन्ने जप तप वगैरह किए कोई कौन है हमें सब खा गई देख लो हमें सब खा गई ये वी दीवार है इन मारे हमें छड़े बीनता नाल पुकार करे फिर मालक मेर करे कोई गुरु मिले फिर हमें छटके भजन करे अभ्यास करे ओरी मेहर ना करे फिर अंदर चल सकता नहीं चल सकता हमें मार बाजरी कपाटी खुलाया नाम अमोलक गुर परसादी पाया हम छड़े ले जाए तो सतगुरु की मेहर नाले नाम मिलता है नाम बहुत उच्ची चीज है पता नहीं वो बहुत दूर है दिनों दल तो दुनिया को रिद्धिया सिद्धियां शक्तियां होर दाता ये देवी देवतियों को जी नाम की दौलत है वो सब ने अपने हाथ से रखी है
राम नाम रतन कोठड़ी कर मंदिर एक लुकानी सतगुरु मिले तो खोजिए फिर ज्योति जोत सुनानी कई चीजा ने असि बारे रख दें कई सीन च रख दें कई कमरे च रख दें कई संदूकों च रख दें कई सिफा च रख दें कई सिफा खास खजाने च रख दें देख लो ये खास जगह पर सतगुरु ने अपने हाथ से किसी दे नहीं एक खास जगह पे है ये राम क्या राम 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 रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी मंदिर है ये कोठड़ी है ये खास जगह है उत्थे है वो जिन वो बख्शे हाँ जी हो में मार बजरी कपाट खुलाया नाम अमोलक गुरे ये असली भक्ति है नाम दे प्रगट करने की ये थोड़ी भी है जिंदगी तो कोई गिल्ला बिल्ला प्रगट करता है जी प्राणी भक्ति होंगी कोई धर्मदास थी कबीर साहब को अठ जन्म च गया ये जल्दी का कम नहीं बी एम ए करने लेकिन यह है जो भक्ति करते तसलियां मिलती हैं वो नाल है सतगुर जी थोड़ी भी है आम दुनिया मरते देखो कि हाल आंदा रोंदे ने कलांदे ने टट्टी पिशाब निकल जाता चेहरा काला पै जाता जिसमें सिवर तकड़ जाता देख लो लेकिन जेड़ा नाम की भर्ती करता वो आराम में जाता कह के जाता खुशी खुशी जाता ठीक फकीर हो गए ठीक समूह दस वह समूह दसा भी हो गए तब भी आराम में जाओ पढ़ते हैं रोज प्रभ किसी दूजा मसे प्रभ किसी काल पर हरे नेड़े काल दूत नहीं आते जमदूत नहीं आते नाम भी कह लो शब्द भी कह लो सतगुरु भी कह लो गुरु का लफ्ज गिरी धरती से निकला है जिसका मतलब है शब्द सतगुरु का मतलब सत शब्द जो सतलोक तो आ रहा है समस्त अवरेज साहब तालब की मौत के समय मुरशद के आन का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि रब के आशिक बाखबर मरते हैं उन्होंने उन्होंने मौत का पहला तो ही पता लग जाता है वह अपने प्रीतम के सामने एक मिठी मौत मरते हैं मुरशद उन्होंने अंदरूनी अख खोल दिता है और मुरशद तो हीन पुरश अंधेरे में मरते हैं आरफ यानी गुरमुख लोग मर के अपने सच्चे मालक वाल चल पैंदे हैं बिना मुरशद वाले लोगों की जान खुआर होकर बेखबरी के नाल निकलती है जब वह चोला छड़ते हैं सतगुर उन्होंने सामने होंगे है उसनू उस वेले फकीर जो कम लगा उस रूप में होर कोई चीज नहीं हर का चेंज सोई हर जन का हर आपे जन्मे आप रखांड उस रूप चाके मिलता फिर तामन के नान कच्ची से तोड़ तो उस सज्जन संत पक्या वो जिंदे पिछले होने जैसे छोड़ सज्जन सही नार नार चल दे नार चलन जिथे लेकर मंगिए तिथे खड़े दिसन कम करना तो आ शब्द जिन्हें प्रगट किया है उस रूप चाके मिलता है फिर हाँ उसनू उस वेले इन्नी खुशी होंगी है कि अपनी शादी के मौके पर भी नहीं हुई होगी उनका सब पास्यों मोह टुट जाता है देखो कोई गमी की गल आ जाए चेहरा मुरझा जाता खुशी की आ जाए चेहरा खिल जाता जो जिंदूत आने ने काल आता है टट्टी पिशाब निकल जाता है चेहरा काला पै जाता है जिसम अकड़ जाता है घबरा जाता है जब संभाल होंगी है वह चेहरा खिल जाता है हाँ क्या प्यार पड़े पे देखे ने सुचो जिसने छिल छिटी आकड़ा ये नाम की भगती चल थोड़ी है मां अपने छोटे बच्चे का भी मुंह देखना नहीं चाहती उसके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होंदा उसनू घर बार छड़न का कोई रंग नहीं होंदा ना ही आम जीवां वांग उस दियां अखां विच्चों हंझू निकलते हैं ना मन मूत्र निकलता है अते ना ही उन्होंने चेहरे ते किसी किस्म का मलाल हुंदा है अते ना ही काले पेंदे हैं सगों पहला नालों चंगे अते रोशन हुंदे हैं ना ही उन्होंने जिसम जल्दी आकड़ता है काल अते उसके जमदूत इसके नेड़े नहीं आते सगों जे आ जान तो उन्होंने जीवों में इन्नी ताकत आ जाती है कि दड़का मार के जमदूतों को पजा देंगे अगर ठीक फकीर वाले सिंह हो गए एक कमरे किसी सिंह करता हो गए कोई किसी की मौत हो गए जमदूत कमरे ही ना बन आ गए तुलसी साहब जी लिखते हैं
ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਕੇ ਦਾਗੀ ਤਿੰਨ ਤੇ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਾਗੀ ਜਮ ਕੀ ਜਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਮਾਰਗ ਛਾੜ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਸੋ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹਾਈ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਰਿੜਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਤਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਰਮਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮਥਨ ਮਦਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮਰਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਜਨਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੇ ਕੀਤੋ ਪਵਨ ਪੁਨੀਤ ਸੰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਣਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕਮਨਾ ਟੁੱਟ ਗਏ ਯਾਰਾਂ ਦਸ ਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਵੇਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ ਜਦ ਚਿਤ ਗੱਟ ਖੋਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਖੰਡ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਮਰਨੇ ਤੇ ਡਰਦਾ ਅਗਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਮੀ ਰਾਏ ਦੋਸਤ ਪੇਸ਼ ਮਰ ਗਰਮੀ ਖਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਦੋਸਤ ਮਰਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜੂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨ ਚੁਣੇ ਕੋਈ ਬਗੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਸਫ ਕਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਜੀਤ ਮਰੇ ਮਰੇ ਹੁਣ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਖੰਤਰ ਪਾਏ ਵਾਧੂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਰਹੋ ਪਾਛੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੋਏ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤੂ ਕਿਲੰਕ ਮਤੂ ਮਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਸੋਚੋ ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਮਰੇ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਰ ਜਾਏ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੜੇ ਸਭ ਕੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਜੋ ਸੋਏ ਮਨ ਕੈਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਤੇ ਸਜੀਵਨ ਹੋਏ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਮਨ ਸੋਜਨ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਗਤ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਚਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨ ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ
वच ज्ञानी बहुत देखे लक्ष्य ज्ञानी को लेखे लेखे ये मन बुद्धि के ज्ञानी सब दी मिट्टी पलीत करते लड़ा लड़ा मारता किन लिखे जंग हफ्ता दो मेरे हमारा सब ने चुन दी हकीकत रह पसाने सिद्धांत कि साढ़े बहत्तर फिर के अस बिच क्यों लड़ते हैं कि इसलिए तो बेखबर ने बेचारे मासूर ने इस कर लड़ते हैं नहीं नहीं देखो तैं साचा मैंने विजय चौड़ी चा काचा देखे किसी ने नहीं वो कहना है ठीक है वो कहना आ लड़ाई है कहीं एक मोहम्मद एक कुरान छे सुनी किन्ने साल की लगती है मन बुद्धि ने मिट्टी पलीत करती सब दे फिरके बनाते ज्ञान कि सो ज्ञानी जी ने शादी लाई ज्ञान ध्यान तुम जाने कथ कहावे सोए इन्हें शादी लजर लई है ये ज्ञान है बस देखे ही नहीं ज्ञान यदा ना है जेड़ा मीरा ने किया है संखड़ी गली मेरा सतगुरु मिला किसी पुठी संखड़ी गली चाहे राह खुदा भी हाला बालों दसवें भाए मुख द्वारा संखड़ा रही दसवें भाए हंकार मारे ख्याल मखद पीछे इकट्ठा करे इतने सतगुरु मिलता है इतने नाम तल पैंता है सोच लो पाया रे मैंने नाम रत्न मन पाया जिसको पाए दुख सुख बोले मन अंदर समाया जिसकी चोरी कबूल से धन मैंने पाया खर्चु लाख मेरे दिन मैंने वर्ष पाए ज्ञानी का नाम है मेरा गुरु तेग बाल ने कहा माई मैं धन पाया हूं ना मन मेरा धन की छुटके कर बैठे विश्राम माया ममता तन ते भागी उपज निर्मल ज्ञान काम टो परस नहीं सके गई भक्त भगवान ये नो ज्ञान है सब दिन मिट्टी प्लीत कर दी मन बुद्धि ज्ञान ने गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया सच दी अखा नाल अखा होर ने वो कन होर ने अखी बाजू देखना बिन करना सुनना पैरों बाजू चलना बिन हत्था करना जिबा बाजू बोलना जित मरना नरक में पिछाड़ के तू खस में मिलना ये तुझदा भी बिन पर चले सुने बिन करना कर बिन कर करे बिन मन ईसा ने किया क्या हैव आईज यू सी नॉट हैव इयर्स यू हियर नॉट इन अखा होंगे हो तुम किसी को देख नहीं सकते इन्हें कन्ने होंगे हो आवाज नहीं सुन सकते सोचो वो अखा होर ने वो कन होर ने नानक सिख ने मैन जिन्हें सिंह वापरी तीसरा कहने शिव नेत्र कहने दिव्य चक्षु कहने वो खोले तो देखे कि नहीं देखे वो तो मोतिया बिंदु है सारी दुनिया अन्नी है गुरंग साहब कहने में अंधे ना कि जिन मुख में ना है अंधे से ही नानका खसम कुत्ते जाए सारी दुनिया अन्नी है जेड़े मर्द दे नहीं सकती चौरासी टके खी फिर दी है ये तो मोतिया बिंद है मोतिया बिंद क्यों है इतने मोतिया बिंद किसम हो जाए मिठे पे जा फिरता है अस्सी नब्बे साल की उम्र होगी फिर भी कहना चार दिन जिंदगी में आराम ना कट जाए डॉक्टर को जाना पैसे खर्चता है होर चार दिन की जिंदगी पीछे वो जेड़ा मोतिया बिंद जुम्मे जूते आ रहा वह किसी ख्याल ही नहीं कि मोतिया बिंद है मोतिया बिंद की हमारा पर्दा हों डॉक्टर ला देंगे ने ये दिन पर्दा है कि पर्दा ख्याल ये ख्याल कटे त लाइट है उसे तुम टाप डालते जाओ लाइट बंद हो जू उठाते जाओ लाइट खुले लग जाओ जब पूरे खुले पूरे चकते लाइट पूरी हो गई रेशमी कपड़े पा दो फिर बंद हो जू चक दो इस चंगे मन के ख्याल आते चंगे पूरे ख्याल आते पर्दे पै हुए ने सारे कड़े एको सबदो सबदो रखे फिर पर्दा खुल जाए एक मौसम कहने लगे जो नाले आ मैं दारक में काम हुआ पर्दा वाले गुब्बारे बाद बार निशान तार नजर तो नहीं कर कि मार्ग के सुरु तो कोई पर्दा नहीं पर्दा तेरी अखा दे है ये पर्दा चक दे करना दा ख्याला दा मार्ग सामने है हाँ गुरु ज्ञानी अंजना सच नेत्री पाया अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवा अंदर रोशनी हो जाए आग अंत मत सब का पता चल जाए अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया ज्योति जाता मिनी मन माना ज्योति जाया कुछ जोत जगती पई है कि
बेनती कर ला है तुम मंदिर जाओ गुरुद्वारे जाओ मसीत जाओ गिरजन जाओ शिवदरन जाओ तुम दो किस्म शक्लें मिलेंगी या तो गुमद हो या नमोत्री शक्ल हो सब दिन जोत जगदिया पे सब दिन घंटे सगन बजते पे ने मुसलमान चिराग जलाने मरदान बजते पे ने है ये सू नमूने दसे से नमूने च फस गए नमूने च फस गए गुंबद केड़ी है ये गुंबद है सिर नमूती शक्ल यह है जिन कृष्णा ने कहा नास्ता भी अगर बाबा इतने आए तो जोत जगद पे ने घंटे सग बजते पे ने मरदान बजते पे ने किनिया बजद पे ने नकल नकल च फस गया इधर फकीर होया मारवाड़ उन्हें लिखे माई मेरे मंदिर में जोत जगे बिन दीपे बिन बत्ती खेत के जिन में जोत जगे ये ज्योति का सगल उजारा देखे तिम्र भगे ये ज्योत में प्रगट कर ले इसलिए मित्र गुरु कृष्ण ने किया जागत ज्योत जपे ने सिवासर एक बिना मन में एक ना ये सवा किसी ने माने पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे बत गोर मणि मठ गोर न माने तीर्थ दान दिया तप संग एक बिना नहीं एक पछाने पूरी जो जगह कट में तब खालसा तक निकाल जाने फिर खालसा बनना सोच लो फिर खालसा बनना इस मान दस बारह अब मनुष्य सनातन हुआ तब जाने जब जीवित हुआ कुछ समय जब मैं जिंदा मरिया सब तक न तो पिया मैं सनातनी बन गया इतने गुरु साफ हो जाती काफी तो साफ हो पाक बन गया शेष बन गया आर्य बन गया नाम तारी बन गया इसे मैं सच्चा सौदा गलिया में सच्चा सौदा नहीं बाहर तो सारा कूड़ा एक बाणी एक गुण एक शब्द विचार सच्चा सौदा हर सच रथनी पर पंडा सच्चा सौदा हर नाम है सच व्यापारा राम कुलमती है नाम बन जाए तब मूल फारा राम जो बन जाए तो सब कुछ नहीं कुछ भी नहीं सारे डिंगे डिंगे सब दे पले बाहर क्यों बने जो कोई डॉक्टरी का कोर्स करने लगता है उसी दिन से कहने लग जाए आओ जी डॉक्टर साहब बने तो नहीं कोर्स करे तावा इसी दिन जिस दिन दाखिल हो उस दिन तो हो गया सनातनी आर्या सब कुछ हो गया लेकिन कोर्स किसी ने उन्हें किया हाँ बने कोई भी ना हाँ जी ज्योति ज्योत मिली मन माना हर दर शोभा किसी ने कुछ किसी ने कुछ फिर तसली हो गई सब दे अंदर देख लेंदा वो जो सब दे कम कर दी पई है हाँ मुक्ति दिंदा है वो अंदर आए ये फिर बाहर इस जग में नाम अलभ है गुरुमुख से बरना आए गुरुमुख नगरी खोज खजाई फल नाम पदार्थ पाए तंगन खोजे तो नाम पाए सोचो ये अंदर आए काला नगरी मंगन चढ़े जोगी के नाम पले पाए अंदर जावे तो मिले ये फिर बारे बार बाहर जिन्हें कम ने बुगारी जैसे ने बुगारी सारा दिन कम करता है पले की बंदा टूट टूट के मर जाता पले की क्या सारी जी बाहर बाहर अंदर की जानती नहीं तो मेहनत करती नहीं फिर मिलेगी सोचना फिर मिलेगी बहुत बेकार दुख पाए सारे परम संत कहने सी देखो भाई कोई शाहूकार से लड़की की शादी की थी लड़का मर गया उन्होंने देख के आगे वक्त क्यों निकले मेरे वास्ते कोठी बनाते बगीचे बनाते हैं